गुजरो सा राज्य के आर्थिक सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां की खुशबू सु आप लोगों ने महकावन सारू प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी री महक। आओ सैसु पहले देखा राज्य रा विकास री एक बानगी विकास रा झरोखा सु। लारला साला में प्रदेश में बरसात री लगातार कमी रे कारण धरती रे नीचे रा पानी माए कमी आबादी बढ़न री समस्या ने जल री मांग और सप्लाई माए अंतर होवन तथा धरती रा पानी रो घनो दोहन करण सु जीका हालात बनिया है। वाने जनता रे सामने राखण खातर और इन दिशा माए आम लोगा री भागीदारी तय करण रे वास्ते राज्य सरकार जल चेतना यात्रा और किसान महोत्सव री शुरुआत 16 मई सु कीनी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सीकर और अलवर सु इन यात्रा री शुरुआत कीनी। इन मौके वे कहयो, आज का कार्यक्रम समर्पित किया है हमने पानी के ऊपर और इस बार हमने ये तय किया है कि जयपुर और गांव के बीच की जो दूरी है उसको किसी भी तरीके से हम लोगों को कम करना है, क्योंकि हमारे राजस्थान का खंभ हमारा किसान है। हमारा किसान पेड़ों पर खड़ा हो जाता है। हमारा किसान अगर दुनिया के अंदर अपना हाथ फैला सकता है तो मैं मानती हूँ कि राजस्थान को कोई तरक्की से करने से रोक नहीं सकता है। इन्हीं भात सगला जिला माए पूरा जोर शोर सु जल चेतना यात्रा री शुरुआत हुई। जयपुर माए शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी और जोधपुर माए वन मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे जल चेतना यात्रा री शुरुआत कीनी। समूचे राजस्थान रे माए 304 रथों ने रवाना किया है। वो रथ हर ग्राम पंचायत ताई जावेला और उन पंचायत में कम से कम एक बड़ो गांव भी विजिट करेला। इन तरह से एक महीना रे प्रोग्राम में 18,000 से अधिक गांव में लोगों से सीधो संपर्क हो सकेला। कृषि रा विशेषज्ञ, पानी रा विशेषज्ञ, भू जल रा विशेषज्ञ इन कैंप्स में जाने लोगों ने जानकारी देवेला और लोगों ने इन बात रे लिए प्रेरित करेला कि पानी ने सार संभाल आप रखो और पानी ने ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाओ। साथ ही साथ किसानों ने आदान प्रदान करना, वहाँ ऋण प्रदान करना, वहाँ दूसरी जो उन्नत किस्म रा बीज है वहाँ मिनी किट्स प्रदान करनी, जो क्रॉप लोन्स हैं या चेक्स हैं, मिट्टी री जो चेकिंग है सॉइल टेस्टिंग करनी, जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स देवना, इन तरह रा कृषि विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुआ काम भी इन यात्रा के दौरान में किया जावेला। और इन यात्रा के माध्यम से इन बात रो प्रयास किया जावेला कि लोग अधिक से अधिक पानी के बारे में जागरूक हुए, पानी रो बचाव प्रयास करे, पानी ने संरक्षण दे और आप रे खुशहाली ने बढ़ावे। पूरा महीना भर चालन वाली जल चेतना यात्रा लगे टगे 18,000 गाँव में जल चेतना रो संदेश पुगावेला और सागे सागे खेती बाड़ी, पशुपालन, बागवानी, पीने रे पानी रे सप्लाई, बिजली, सहकारिता, जल संसाधन, मनाई लिखाई, जंगल, पंचायती राज, गावाई विकास, भूमि रो संरक्षण, कल कारखाना आदि कई महकमारी योजनावा और इनारा काम काजरे बारे में लोगों ने बतायो जावेला। जल चेतना यात्रा और किसान महोत्सव रे दौरान फिल्म प्रदर्शन, गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, सभावा ने कार्यशाला वारे अलावा यात्रा रो रात में ठहराव पंचायत मुख्यालय माथे हुवेला, जठे सरकार गांव वासिया सु रूबरू हुवेला। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे री अगुवाई माए राखी जो ओ जतन आम लोगा और सरकार रे बीच संवाद कायम करण माए कित्तो सफल हुवेला और काई रुख सामने आवे सरकार रे काम काज माथे ओ सब पतो चालेला यात्रा खत्म होण पछे। सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका माणक बाचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा रो गौरव बढ़ाओ। अब इन सप्ताह की खास गतिविधियां माथे नजर डाला हलचल राजस्थान री माय। भारतीय जनता पार्टी रा बड़ा नेता कलराज मिश्र जयपुर में खबरनवी सम्मेलन में कहयो कि आरक्षण रा मुद्दा माथे कांग्रेस रो रुख साफ होवन रे पछेज आरक्षण रा मुद्दा माथे संसद में चर्चा होनी चाहिए, वरना आरक्षण विरोधिया माथे हिंसक कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर में आतंकिया कानिसो हिंदुआ ने निशानो बनावन री निंदा करी।
में भारतीय कानीसू बनाएगी भारतीय जनशक्ति पार्टी रा प्रदेश कार्यालय रो उद्घाटन रविवार ने राष्ट्रीय महामंत्री रघुनंदन शर्मा की नो इन मौके आयोजित खबरनवीस सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी चंद्रराज सिंघवी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश दत्त माथुर, महामंत्री हरिहरलाल पारिख और कार्यकारिणी ने जिला संयोजकारी घोषणा करी जी। प्रदेश प्रभारी चंद्रराज सिंघवी कहे के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में टूट फूट शुरू हुएगी है और के विधायक वनारिस संपर्क में है। वे अभी घोषणा करी कि इन साल पार्टी 10 लाख कार्यकर्ता सदस्य बनावन रो ध्येय रखे हुए। सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति री फलती फूलती विरासत री बानकी अजमेर में आयोजित विशाल सिंधी कवि सम्मेलन में देखने ने मिली। भाईजना हालाजी दरबार साहिब कानी सुराखी जा इन कवि सम्मेलन में देशभर से आया कवि आपापरी स्वनावा पेश कीनी। जयपुर शहर रा करीब 500 डॉक्टर कन्या भ्रूण हत्यारे विरोध में रविवार ने पैदल मार्च कीनो और स्टैचू सर्किल माथे मोमबत्तियां जलाएं आपरो विरोध दर्ज करियो। इन प्रदर्शन रो के विजय संगठना भी समर्थन करियो। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर कानीसू राज्य रो पहलो मुखी सम्मेलन रविवार ने जयपुर में राख्यो गयो। सम्मेलन में सेंट्रल पंचायत रा अध्यक्ष चंदीराम राघानी ने सवाणी एक राय सु महापंचायत रो पहलो अध्यक्ष चुनी जो। अध्यक्ष रा निर्वाचन रे पछे चंदीराम राघानी बतायो के 3 महीना में महापंचायत रो गठन कर लियो जावेला। वणा कहयो, राजस्थान में सिंधी समाज के लिए एक बहुत बड़े एकता का प्रयास करना सभी को महसूस किया जा रहा था और सभी पंचायतों के अध्यक्षों सेक्रेटरियों ने कई बार मीटिंग करके ये मेरे से कहा कि भाई इस तरह से जयपुर महानगर पूरे राजस्थान की महापंचायत के लिए प्रयास करें। एकता हमारे में बहुत आवश्यकता हो गई थी क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक जो गतिविधियाँ चल रही हैं इसमें हर समाज अपनी एकता से अपनी बात रखने को आजाद है। सम्मेलन रा आखिरी पावड़ा में राखी जा सम्मान समारोह में पंचायत रा मुखिया रो सम्मान करियो गयो। माणक रा उपलब्ध अंकारा बरसवार 17 जिल्दा में लगे टगे 14,000 पाना में राजस्थानी रचनावा से सरोबार रूटो संग्रेजोक साहित्य आपने क्षेत्र रे स्कूला कॉलेजरा पुस्तकालय सार्वजनिक वाचनालय और ग्राम पंचायत में भेंट करावो। कीमत सिर्फ 2501 रुपया। भेंट कियोड़ो हर एक सजल सेट आपके योगदान रे विकट सो स्थायी यादगार बन जासी। आप रो आदेश और पता माथे भिजाओ। माणक प्रकाशन जल्दी दीप भवन जालोरी गेट जोधपुर। मारो राजस्थान में चालो अबे रूबरू हुआ आज आपने सागे है प्रसिद्ध समाज सेवी और विधायक आमेर श्री लालचंद जी कटारिया। मैं मानता हूँ कि जितनी भागदौड़ मैं कर सकता हूँ मैं मेरे क्षेत्र के लिए करता हूँ। 450 के आसपास तो मैंने मेरे क्षेत्र में हैंडपम्प लगाए नहीं, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि पूरा आमेर क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से जिस तरह बसा हुआ है, पूरे जयपुर के यू टर्न में आमेर बसा हुआ है। 120 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें आपकी दिल्ली रोड भी आती है, चोमू रोड भी आती है, कालवा रोड भी आती है और अजमेर नेशनल हाईवे भी आता है। पूरा जयपुर का जो बाहरी क्षेत्र है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में उसी भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है। तो कई जगह पानी है, कई जगह बिल्कुल पानी नहीं है। आमेर साइड में पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ बोरिंग भी होना बड़े कठिन है। तो ये जितनी भी समस्याएँ पानी की थी, सबसे पहला काम प्राथमिकता मैंने दी पानी को, उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता रोड। आमेर क्षेत्र में 10 बड़ी प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं मैंने मंजूर करवाई। एक कालवा रोड है, चोमू रोड है, इनका वापस रिपेयर का काम करवाया और जितनी भी छोटी कृषि मंडी की रोडें थी, पीलोबुड़ी की जो रोडें थी जो गाँव को जोड़ती है, पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ती है, उनकी सबकी मरम्मत करवाई। एक मेरा खुद का जो अहम उद्देश्य है राजनीति में कि जो गरीब लोग हैं, पीड़ित हैं, या कई ऐसे मेरे पास लोग आते हैं कि जो बीमार हैं, जो इलाज नहीं करा पाते, महंगा इलाज है, जैसे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है,
किसी को वाल चेंज करवाने हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, तो इन लोगों की व्यवस्था मैं आगे आके करता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री सहायता को से हो, चाहे और मेरे को कहीं से उनके लिए कुछ करना पड़े, वो व्यवस्था मैं सबसे पहले करता हूँ। अब नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी इस उम्र में, ये एक भटकाव की उम्र है, कॉलेज लाइफ में वो तय करें कि मुझे कौन सी लाइन चुननी है, और ये काम जनप्रतिनिधियों का भी है कि उन नौजवानों को जो शिक्षा के बारे में, ये ज़रूरी है कि शिक्षा लेना और शिक्षा दिलाना अपने नौजवान साथियों पहली प्राथमिकता है, पर जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं उनको ये सोच भी होनी चाहिए कि ये हमारे जो युवा साथी हैं ये बेरोजगार नहीं रहे, वरना तो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। कोई भी बच्चा पढ़ के कॉलेज में और कहीं से भी 5-10 लाख रुपए उस परिवार से अपने गरीब माँ बाप के खर्च करके यदि वो बेरोजगार घूमता है और पढ़ा लिखा है तो उसके मन में एक कुंठा रहती है। उनके लिए अलग से व्यवसाय, उनके लिए रोजगार, उनके लिए लोन की सुविधा, ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और वो हमारा दायित्व है, क्योंकि हर आदमी, हर लड़का तो ऐसा है नहीं कि वो कोई करोड़पति हो या वो, और बैच इतने निकल के आ रहे हैं कि हर साल इंजीनियरिंग में हजारों लड़के आ रहे हैं, मेडिकल में हजारों लड़के आ रहे हैं, आज हर लड़का MBBS कर लेता है, तो ये जरूरी थोड़ी है उसको सरकारी नौकरी मिले, उसको अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए कम से कम ही नहीं तो 3-4 लाख रुपए का लोन चाहिए, ताकि वो किसी भी गांव, किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में अपना क्लिनिक लेके बैठे। तो मेरी तो नौजवान साथियों से मैं तो अपील भी करता हूँ, जहाँ फंक्शन वगैरह में जाता हूँ, कि अपना लक्ष्य तय करें और जो भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो उससे लड़ने की क्षमता रखें, धैर्य नहीं खोना चाहिए आदमी को। माथे आपका सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है माटेली महर मानक टीवी 6A फ्रेंड्स कॉलोनी लाल कोठी जयपुर। फोन नंबर 5102727 और 2742116 और चलते दी भवन ज्वेलरी गेट जोधपुर। फोन नंबर 2636900 और 2435896। आप हमें ईमेल से भी संपर्क कर सको इन पता माथे manaktv@yahoo.com।